कलेक्टर साहब के नजदीक आवेदन किए, वहां से ऑर्डर आया। ऑर्डर आया तो औपचारिकता कागज पे सिर्फ काम हुआ, अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। और जो अतिक्रमण के लिए 13/1/2024 को जो आए अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, उसके बाद कोई पदाधिकारी ने, सिर्फ कागजे पे हो रहा है, अभी भी फसल लगा हुआ है। पिछले 3 वर्षों से ये परिवार जो है जमीन के विवादों की समस्या का दंश को झेल रहा है। जो अतिक्रमण का केस जो नहीं उठा रहा, दबा पड़ा, तो उसका निजी जमीन जो है सो महेश यादव जोत लिया है। इस करके जो है सो राम कुमार यादव को पिता का एक्सीडेंटल करके मार दिया गया, उस केस को कम्प्रोमाइज नहीं करता है राम कुमार यादव, उसके लिए उसका रैयती जमीन 5 कट्ठा महेश यादव ने जोत लिया। बाप मोरल जो केस करन छी उठा तो मार देबो। बिहार में जमीन के विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण से राज्य सरकार के पहल से अब बिहार में जमीन का सर्वे का काम भी चालू कर दिया गया है। लेकिन आप लोग कई ऐसे खबर के माध्यम से देखे होंगे कि जमीन विवाद में कई लोग जेल में बंद पड़े हैं, तो कई लोग अपने जान को भी गंवा चुके हैं। इस तरह के मामला बिहार में खास करके देखा जाता है। अभी हम जहां से आप लोगों को ये जानकारी साझा कर रहे हैं, ये मधुबनी जिला का लोकही प्रखंड का हरिराहा मौजा है और वार्ड नंबर 11 है। और मेरे पीछे जो ये तमाम लोग देख रहे हैं, इस परिवार में आखिर किस तरह की समस्याएं जमीन को लेकर के है, उसी पर हम बात करेंगे और एक एक लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और एक चीज और आप लोगों को बता दें कि लंबे समय से ये परिवार पीड़ित है, यहाँ तक कि यहाँ के स्थानीय थाना हो या प्रखंड के अंचल पदाधिकारी हो या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो या लोक शिकायत में, हर जगह के लोगों ने चक्कर लगाया, हर जगह आवेदन दे करके उनको आश्वस्त करवाया, उनके बावजूद भी आखिर इन लोगों की परेशानी क्यों नहीं खत्म हो पाई, उन्हीं चीज पे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम यादव। सीताराम यादव जी है जी। किस तरह की दिक्कतें हैं बताइए? दिक्कत है कि मान लीजिए हम लोग अतिक्रमण किए थे बिहार सरकार के जमीन खाली कराने के लिए, वो बिहार सरकार का जमीन खाली कराने के लिए अतिक्रमण हमने 21/3/2021 में दिए थे। हाँ, तब से अभी तक मान लीजिए जे इसके लिए हम जो है सीओ साहब जो नहीं किए, तो हम अनुमंडल में गए लोक शिकायत में, वहाँ हमको जो नहीं अथी हुआ तो हम वहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट लोक शिकायत में जो अथी हुआ, उसके बाद जो संतुष्टि नहीं खाली हुआ तो कलेक्टर साहब के नज़दीक आवेदन किए, वहाँ से ऑर्डर आया। ऑर्डर आया तो यहाँ आके सीओ साहब जो है थाना दोनों मिलके औपचारिकता कागज पे सिर्फ काम हुआ, अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ, और लिख दिया कि अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। वो जमीन पे अभी तक मान फसल उगिए रहा है, जब गेहूं का सीजन में कनक के समय में जो पूछे तो कहा कि देखिए कनक कटने दीजिए, उसके बाद अब नहीं होगा खाली हाथी फिर से जोता है। किनके द्वारा कहा गया? सीओ साहब और यहाँ का जो आदमी अपना अथि कर रहा था। विवादित कितनी जमीन है, लगभग कितने कट्ठे हैं? ये जमीन लगभग 8 एकड़ का। 8 एकड़ का जमीन है। 8 एकड़ जमीन जो है विवादित है, तो अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी आप लोगों को मिला? हाँ। अतिक्रमण का नोटिस मिलने के बाद उनके बाद फिर क्या हुआ? क्या यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, थाना हो या अंचल पदाधिकारी हो, ये लोग कभी निरीक्षण के लिए आए हुए थे? नहीं सर, घूर का कोई नहीं, कोई आता नहीं है, सिर्फ कागजे पर, माना वही जो अतिक्रमण के लिए 13/1/2024 को जो आए अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, उसके बाद कोई पदाधिकारी ने, सिर्फ कागजे पे हो रहा है, अभी भी फसल लगा हुआ है उस पे, 8 एकड़ जमीन में धान रोपा हुआ है, प्रशासन को आवेदन पड़ा है, सीओ साहब का आवेदन पड़ा है, तो कहता है नहीं ठीक है, इस बार नहीं कटेगा, इस बार जो है अथी कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं, बार बार यही होता है, यही कहता है। ये कब से विवाद है? ये विवाद जो है सो हम फर्स्ट आवेदन जो है सीओ साहब का दिए थे 3/2021 को, मतलब 2021 से ही ये विवाद चल रहा है। कितने लोग इसमें नामजद है इस विवाद में? इस विवाद में जो है सो हम फिलहाल दिए हैं धनिकलाल यादव, राम सुनर यादव, महेश यादव, दिनेश यादव, 4 आदमी, जो कि सबसे ज्यादा जमीन यही लोग जोत रखे हैं। यही लोग जोत रखे हैं। जिन लोगों का आप नाम बता रहे हैं, ये लोग कौन है? यही के रहने वाले हैं? यही का रहने वाला है, थोड़ा माने जो दबंगता करता है, जो गरीब का चीज था वो भी धीरे धीरे जोत लिया, वो अपने में मिला लिया, और वहां से गरीब से माने हटा दिया।
जिस जमीन का अतिक्रमण का नोटिस मिला था उस पे अभी भी फसल उगाए जा रहा है। एकदम फसल लगा हुआ, अभी जाके देखे पदाधिकारी आके जांच करे, उस जमीन पर अभी भी फसल लगा हुआ है और आगे क्या होगा ये तो हम नहीं पता। देखिए पिछले 3 वर्षों से ये परिवार जो है जमीन के विवादों की समस्या का दंश को झेल रहा है। देखिए जैसा कि मेरे हाथ में जो आप आवेदन देख रहे हैं इसमें देखिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास के लोगों ने लिखित आवेदन दिया है, उनके बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद कलेक्ट्रेट का भी आदेश है, यहाँ तक कि ये लोग जो है लोक शिकायत में भी आवेदन दिए हैं, अंचल अधिकारी लोक ही को दिया गया आवेदन। उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय थाना अंधरामंड है, अंधरामंड थाना को भी आवेदन दिया गया है। लेकिन इतने सारे आवेदन पढ़ने के बाद भी आखिर जो विभागीय कार्रवाई होती है वो क्यों नहीं किया गया? अतिक्रमण हटाने का जो नोटिस कलेक्ट्रेट के द्वारा यहाँ प्राप्त हुआ, आखिर उस अतिक्रमण को हटाने का काम यहाँ की पुलिस बल के द्वारा या अंचल पदाधिकारी के द्वारा क्यों नहीं किया गया? इस तरह की यहाँ पे समस्याएं हैं, इतने सारे आवेदन आखिर किस काम का? तो इसी तरह का समस्या जो हमारे बिहार में लगातार देखा जाता है। तो मधुबनी जिला में खास करके जब इस तरह की समस्या को हम लोग देखते हैं तो काफी चिंतित होते हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, इस आवेदन पे दिया गया है ये एक पुराना खेसरा है, इसमें जो दिखाई दे रहा है ये नया खेसरा है 246 249 और कितना है 272। हाँ सब पुराना है। ये खेसरा जो है जो दिखा रहे हैं ये किसके नाम से है? ये खेसरा जो है बिहार सरकार है, 249 खेसरा किसी का रैयती है जो छांट दिया गया था अनुमंडल में भी या जिला में भी। उसके बाद कलेक्टर साहब के नजदीक जो रिपोर्ट हुआ थी हुआ उसमें सीओ साहब फिर क्या किया तो उस 249 को भी जोड़ दिया गया। अच्छा, तो कुछ रैयती और उसके बाद खतियानी जमीन है। हाँ, उसके बाद जो है सो क्या किया है महेश यादव जो राम कुमार यादव पेटिशनर है अतिक्रमण का, तो वो जो अतिक्रमण का केस जो नहीं उठा रहा दबा पड़ा तो उसका निजी जमीन जो है सो महेश यादव जोत लिया है। महेश यादव कौन है? महेश यादव भी इसी में है, मान लीजिए उसके ऊपर भी आवेदन पड़ा हुआ है। देखिए इसमें जो जो लोग नामजद हैं जिनके खिलाफ आवेदन दिया गया है और जिनके द्वारा जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है, आखिर उन लोगों पे पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर प्रशासनिक डंडे क्यों नहीं चल रहे हैं? या ऐसे जमीनों का मुआयना करने यहाँ के स्थानीय अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं? अब देखिए ये लंबित समस्या है, चूंकि आज का नहीं है, 2021 से ये पीड़ित परिवार जो है इसके लिए संघर्षरत है, प्रयास कर रहे हैं। उनके बाद भी नोटिस मिलने के बाद भी अतिक्रमण ना तो हटाया गया है और ना ही इसमें कोई ध्यान दिया गया है। जैसा कि लोग बता रहे हैं उसमें अभी भी धान लगे हुए हैं ना? हाँ, अभी भी धान लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ इस प्लॉट के निरीक्षण के लिए पुलिस आए थे? आए थे पुलिस लेकिन चला गया, इसे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये जो है धान जो गेहूं के बेर में आया थे अब फिर बोला नहीं रोपा जाएगा, अब फिर धान लगा दिया उसमें। आप यहाँ या किसी परिवार के हैं जी? क्या नाम हुआ आपका? राम यादव। राम यादव है जी। आप इस विषय में क्या जानते हैं? इस विषय में सर जो है सो साजिश करके जो है सो राम कुमार यादव को पिता का एक्सीडेंटल करके मार दिया गया। उस केस को कम्प्रोमाइज नहीं करता है राम कुमार यादव, उसके लिए उसका रैयती जमीन 5 कट्ठा महेश यादव ने जोत लिया। महेश यादव बांस काटा था बिहार सरकार में, उसको हम लोग आवेदन किए थाना को, अभी तक उस पर FIR नहीं हुआ ना उसको कुछ कहा। यही सब बात है हमारे पास। इधर आई, इससे पूर्व में इस जमीन पे मारपीट भी हुई है? हाँ सर। क्या हुआ था? महेश यादव जबरदस्ती कहे मतलब हमार 5 कट्ठा खेत जोत ले कहे मतलब जे अतिक्रमण केना छी कहे मतलब तोहर खाप जोतबो। अच्छा, बाप मरल जो केस करल छी उठा तो मार देबो। तो देखिए यहाँ पे धमकियां भी मिल रही है इस परिवार को। एक चाचा जी है, आप इस विषय में क्या जानते हैं? जानते हैं जो वही जो जबरदस्ती कर रहा है इस परिवार के साथ गलत हो रहा है? एकदम गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? जी गलत हो रहा है। अच्छा, ये जो इस परिवार में जिस तरह के विवाद ये लोग बता रहे हैं ये कब से है? 2 साल 3 साल से लागिल छे। 3 साल से हो गए। तो अंत में जो है आप क्या यहाँ की पुलिस प्रशासन से या मधुबनी जिला प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? हम तो यही मांग करना चाहेंगे कि विवाद को जितना जल्दी हो निपटारा कर दे और बिहार सरकार का जो जमीन है मान लीजिए वो खाली कर दे, ताकि हर गरीब गुरबा का मवेशी चराने के लिए भी तकलीफ हो रहा है जो तकलीफ दूर हो जाएगी, और उसका रैयती जमीन जो महेश यादव जोत लिया है वो जमीन अविलंब छोड़ दे। तो देखिए इस परिवार का मांग है, क्या नाम बताओ अपना? सीताराम यादव जी। जैसा कि ये लोग जानकारी दे रहे हैं, लोगों का मांग है कि बिहार सरकार का जो जमीन है
जिस पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी कलेक्ट्रेट के द्वारा मिला है उसको खाली करवाया जाए, बाकी जो विवादित जमीन है उस जमीन को भी किस तरह से सुलझाया जाए वो अधिकारियों के जिम्मे जाती है, तो अधिकारी इस पर गंभीरता से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे अंद्रामठ जो थाना प्रभारी है उनके द्वारा भी यहाँ पे निरीक्षण किया गया है, ये सही है ना, पास काटा है तो इतने सारे जो आवेदन दिए गए हैं, चाहे यहाँ के क्या कहते हैं SDPO साहब हो या थाना प्रभारी हो या प्रखंड की हम बात करें, लोक शिकायत की बात करें, तो उनके बाद भी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया है। यही कारण होता है कि सौ समय समस्या का समाधान नहीं होने के कारण परिवार में इस तरह की विवाद होती है, मारपीट की समस्या बन जाती है, कई लोगों को जान भी इसी विवाद के कारण चले जाते हैं। तो इनकी समस्या को दूर आखिर यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन की काम है कि इनकी समस्या को दूर करें, और ख़ास करके हम मधुबनी जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे इस मामले को आप लोग संज्ञान में ले। एक बार हम फिर से बता दें, कभी हम लोकही प्रखंड क्षेत्र के हरिराहा गांव वार्ड नंबर 11 से ये पूरी खबर आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो बहरहाल इस पूरे परिवार के बातों को लेकर के और जिस तरह की जमीनों की विवाद इस परिवार में पिछले 4 वर्षों से बना हुआ है, इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह की राय आप लोग देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।